हेलो दोस्तों, आयशा बिंदु की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम देखिए मुरमुरे का लड्डू बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, जो बहुत ही क्रंची और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। जिसके लिए हमको गुड़ चाहिए और मुरमुरा चाहिए। देखिए मुरमुरा एकदम क्रंची होना चाहिए, हम एकदम ताज़ा लाए हैं। आप बाज़ार से लाएँ तो थोड़ा जो नरम रहता है उसको भून लें। तो सबसे पहले हम 600 ग्राम मुरमुरा लिए हैं, इसमें 500 ग्राम हम मीठा को तोड़ देंगे। ऐसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि गलने में हमारा मीठा आसानी से, गुड़ जो हमारा है आसानी से गल जाए। तो हम कढ़ाही लिए, इसमें 1/2 कप पानी डाले हैं, वो हम दिखाना भूल गए। और उसके बाद जो हमने 500 ग्राम मीठा लिया था 600 ग्राम मुरमुरा का लड्डू बनाने के लिए, तो पानी में हम इसको डाल देंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हम देखिए धीरे धीरे ऐसे करके गलाएंगे। हमारे बिहार में इसी तरह से मुरमुरा का लड्डू बनाया जाता है। मकर संक्रांति में हमारे बिहार में इसी तरह से लड्डू बनाया जाता है मुरमुरे का। और आप इसमें चाहें तो अदरक डाल सकते हैं, हम इसके पिछले वीडियो में भी बताए थे, हम अदरक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर बवासीर के मरीज है और हम कुछ दिखावा वाला वीडियो नहीं बनाते हैं। जो हमारे घर में बनता है, जो हम लोग अपना खाते हैं, यूज करते हैं, वही हम आपको दिखाते हैं। तो आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, तो हम तिल नहीं डाले, हम सिर्फ मुरमुरा का ही और गुड़ का बना रहे हैं और हम इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। देखिए ऐसे ये घुलने लगा है पानी में, पूरा गलने लगा है और देखिए ये धीरे धीरे गल रहा है। इसको ऐसे ही चलाते रहे लेकिन मीडियम फ्लेम को रखें, फ्लेम जो है गैस का उसको मीडियम रखें, ना हाई रखें ना लो रखें, क्योंकि धीरे हाई रखिएगा तो गल जाए, जल्दी जलने लगेगा और लो रखिएगा तो ये फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसको मीडियम जो है मीडियम को नहीं नहीं गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम रखें और उसी पे ही पका। देखिए ये छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं और पक रहे हैं। इसका मतलब खासियत एक है इसको पहचानने का, आदमी बहुत तरीके से पहचानते हैं, कोई पानी में डाल के, कोई हाथ में लेकर के ऐसे, लेकिन आप बिना पानी बिना हाथ में डालें ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें मतलब हो गया है, इसको मुरमुरा में डाल कर के मिलाने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहे, हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा मीठा गल रहा है, जो गुड़ है हमारे बिहार में इसको अधिकतर लोग मीठा बोलते हैं, इसलिए हम भी मीठा बोल रहे थे। लेकिन देखिए ये मेरा जो गुड़ है वो कितना अच्छे तरह से गल रहा है और ये ऊपर की तरफ बुलबुला बिक रहा है। यही जब हो जाएगा ना तो बड़ा बड़ा बुलबुला निकलता है, ये जो मेरी मम्मी बताती है। और ये जो गुड़ का मुरमुरा का लड्डू है ये मम्मी ही बना रही है, वही बता रही है, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं हैं तो मम्मी से सीख रहे हैं। मम्मी बना रही है और हम देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए कैसे बन रहा है, वो एकदम कितना अच्छे से पक रहा है। इसको इसी तरह अच्छे से चला चला करके पकाते रहें, छोड़ भी दीजिएगा तो फिर कहीं जल उल जाए, तो इसीलिए हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते रहें और पकाते रहें। देखिए इसमें छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं अभी, और जब ये हो जाएगा तो इसमें बड़े बड़े बुलबुले आने लगेंगे। देखिए अब इसमें कैसे बड़े बड़े बुलबुले, अभी उतना बड़ा नहीं, अभी हल्का छोटा, और जब ये हो जाएगा तो ये साइड से देखिए, अभी जैसे मम्मी चला रही है तो साइड में जैसे लगा रहा है कि लस्सा जैसे होता है वैसे पकड़ लिया है, लेकिन जब ये हो जाता है एकदम अपने मुरमुरा में जाने के लिए, लड्डू बनने के लिए तैयार, तो ये साइड से पूरा कढ़ाही जो है उसको छोड़ने लगता है, एकदम साइड से छोड़ देगा, उसमें थोड़ा सा भी नहीं सटेगा। देखिए अब मेरे गुड़ में बड़ा बड़ा बुलबुलों धीरे धीरे आने लगे हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं है पकने के लिए, इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे करके पकाए, जब गल जाए गुड़। तो उसको देखिए हमने ये मुरमुरा ले लिया है 600 ग्राम और 500 ग्राम हमने गुड़ लिया था, इसको हम बनाएंगे। तो देखते रहिए कितने अच्छे से बनेगा और किस तरीके से बनता है हमारे बिहार में। तो देखिए ये बुलबुला ऊपर की तरफ बड़ा बड़ा बुलबुला आने लगा, कितना लोग को समझ में नहीं आता है लेकिन हम अपनी वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए साइड से भी कैसे हल्का 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 छूटने लगा है ना, ज़्यादा नहीं पकड़ा है कढ़ाई में, और देखिए बड़ा बड़ा भी बुलबुला आने लगा। इसी तरह इसको आप धीरे धीरे, देखिए साइड में, देखिए
साइड में कितने अच्छी तरह से एक बार करने से ऐसे छूट जा रहा है, लग रहा है कि कढ़ाई से अलग हो रहा है, हमारा जो गुण है पक गया है। देखिए ऐसे करने से एकदम कढ़ाई से ऊपर तक जा रहा है फिर छूट के नीचे आ जा रहा है, और नहीं तो इसके पहले जब नहीं हुआ था तो ऐसे चलाने से पूरा कढ़ाई में चिपक जा रहा था ऐसे। देखिए देखिए कैसे छूट जा रहा है, देखिए एक बार करने से कैसे एकदम निकल जा रहा है। हाँ देखिए, और मम्मी बता रही थी कि एक तरीका और ये भी है कि आप ऐसे जो छोलनी है उसको ऐसे उठा ले, थोड़ा देर रुक जाए, उसके बाद उसको हल्का सा ऐसे कि मतलब हाथ ना जले ऐसे उंगली पे ले करके, और ऐसे दो तार का चाशनी बनता है तो इसको ऐसे हल्का सा ऐसे सटा के दोनों उंगली, और उसके बाद इसको ऐसे दूर कीजिएगा तो उसमें दो तार का आने लगता है। ऐसे भी होता है, ऐसे मम्मी बताती है, और ऐसे भी बताई थी कि हाथ हूथ ना जले जो, वो ऐसे भी पहचान सकते। देखिए कैसे कढ़ाई, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो तेल अलग हो जाता है सब्जी से, तो हम कहते हैं पक गया मेरा सब्जी, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन गया। वैसे ही ये जो गुड़ का लड्डू है, तो ये जो मेरा गुड़ का हम जो बना रहे हैं पका रहे हैं, देखिए कैसे साइड से कितनी अच्छी तरीके से पक गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में इसको ऐसे लेकर के कढ़ाई उठाकर अच्छी तरह से पकड़ ले, नहीं तो ये बहुत गर्म होता है और जहाँ पे पड़ जाएगा वो सारा एकदम चमड़ी लेकर के उखड़ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से इसको करना है और अच्छी तरीके से निकाल करके इसको हाथ से नहीं मिलाना है, इसको धीरे धीरे जो आप पलटा लिए हैं छोलनी जो भी है उसको, उससे पहले आपको इसको धीरे धीरे ऐसे मिलाते रहना है। देखिए हाथ से पहले ना छुए, नहीं तो हाथ में लग जाएगा तो हाथ आपका जल सकता है। तो ऐसे देखिए जैसे मम्मी मिला रही है ऐसे धीरे धीरे धीरे, हमको तो नहीं आता है तो मम्मी बता रही है, तो मम्मी से ही तो सब कुछ सीखे हैं तो सब तो मम्मी से ही सीखेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मम्मी मिला रही है, और मेरा जो मुरमुरा था वो ताज़ा था। अगर आप बाज़ार से लाते तो कभी कभी नरम भी मुरमुरा मिल जाता है, तो आप उसको कढ़ाई में पहले गर्म कर लें उसके बाद से आप उसका लड्डू बनाएं। देखिए कैसे मिक्स हो रहा है, ऐसे मिक्स कर दीजिए आप इसको अच्छी तरीके से, देखिए कितना अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। ये भी हाथ लगाइएगा तो पूरा जल जाता है, और इसमें हाथ लगाने से पहले हमको पानी हाथ में लगा लेना है, नहीं तो फिर वो क्या होता है कि हाथ में चिपक के जलने लगता है, और जब पानी लगा लेंगे तो वो नहीं जलेगा, ऐसे ही होता है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरी मम्मी ऐसे ही धीरे धीरे जैसे बताया गया है वैसे ही करें, नहीं तो फिर इधर उधर कुछ करेंगे तो फिर हाथ में जल जाए। देखिए पानी लिए हैं हम एक कटोरी में, उसका थोड़ा सा पानी हम हाथ पे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे इसको पूरा अच्छी तरीके से हाथ से मिलाने के लिए, हम तो छोलनी से मिला लिए जो पलटा मेरा है। देखिए कैसे मम्मी करके मिला रही है उंगली से ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा, कि ये हाथ ना जले, नहीं तो फिर जल जाता है ना हाथ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो सब मुरमुरा ख़त्म हो जाएगा जब हाथ जल जाए। देखिए थोड़ा सा हल्का पानी लेके ऐसे आपको जिस शेप में बनाना है, छोटा बड़ा मीडियम साइज, अब हम लोग छोटा छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि बड़ा ऐसे रहता है तो फिर खाने में ही थोड़ा सा खाइए, अगर मन नहीं हुआ तो फिर नहीं आदमी का, तो छोटा छोटा है तो अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है, आप एक दो ले लीजिए। देखिए इसको जिस शेप में आपको बनाना है, गोल बनाना जैसे, लेकिन इसका लड्डू गोल ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, और एकदम क्रंची बना है। देखिए ये हम एक बड़ा बनाए थे और ये छोटा छोटा, देखिए इसको प्लेट में रखने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है, और मन तो कर रहा है कि अभी तुरंत खा ले वीडियो बनाने से पहले, लेकिन क्या करें वीडियो बनाना है, आप लोग को भी तो बताना है कि हाँ मुरमुरे का लड्डू कैसे बनता है। देखिए छोटा बड़ा जिस साइज में हो